तो हेलो हेलो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे द क्विक टेक के चैनल में। मैं हूं किरण, आप सबका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी की ओर से आने वाला रियलमी वॉच। इसमें आपको क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और ये वॉच किस प्राइस रेंज में आता है और इस प्राइस में आपको इस वाले वॉच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों Realme की ओर से Realme Watch जो लुक लाइक आईफोन जैसा ही आता है, जहाँ बैक साइड में आपको कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन लिखी गई है, उसका स्क्रीन साइज क्या आता है, क्या उसमें खासियत देखने को मिलता है, क्या हार्ट बीट सेंसर या उसका लुक डिज़ाइन, इसमें आपको जो चार्जिंग कैसे किया जाता है, ऐसा कुछ फोटो इसमें देखने को मिलता है। तो इस बॉक्स को हम कर देते हैं ओपन, ठीक है, कटर से हम कर देते हैं ओपन। जैसे ही मैं इस चीज़ को ओपन करता हूँ, यहाँ पे पॉलिथीन रैप जो नॉर्मली रहता है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे हम पॉलिथीन रैप को निकाल देते हैं, अंदर की तरफ आपको बॉक्स के अंदर जो रियलमी की ओर से आता है रियलमी वॉच देखने को आपके सामने मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर लुक में आईफोन जैसा ही आपको देखने मिलता है, पैकिंग के लिए कि सब कुछ आपको सेम मिलता है, बट जब मैंने इस वॉच को अपने हाथ में लिया एक लाइट वेट आपको देखने मिला, जहां बहुत सारे वॉच में देखा हूं थोड़ा हेवी रहते हैं, बट ये बहुत ही लाइट वेट यहां से देखने मिलता है। इसके साइड में बॉक्स के अंदर की तरफ देख लेते हैं, अंदर की तरफ सिंपल वही सेम चीज़ आपको मिलेगा, ये कि यूज़र मैनुअल और एक आपका चार्जिंग जो बहुत ही बढ़िया देखने का चार्जिंग यूज़र मैंने किस तरीके से आप कर सकते हो, बार कोड स्कैन करना है कैसे करना है इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरीके से सेटअप करना है आपके इस वॉच को। ये आपका चार्जिंग केस मिल जाता है, यहाँ पे इस रख देना है आपके वॉच को, इजीली ये चार्ज हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसे मैग्नेटिक आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे जैसे ये टच कर दोगे इजीली यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कर देते हैं वॉच को ऑन। जैसे ऑन करोगे वॉच को आप, यहाँ पे आपको एक बार कोड देखने को मिलता है, जो सिंपल आपको एक एप्लीकेशन आता है रियलमी का जो वो वाला इंस्टॉल करना है, उसके बाद जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, फ़ोन में हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो फिलहाल हम देख लेते हैं किस तरीके से सेटअप करना है। ये आपका आ गया यहाँ पे इंग्लिश सेटिंग है, आपको ले लेना है इंग्लिश आपको या उर्दू कोई कंट्री कर लेना है। ये सेटअप ये घूमेगा एक तरफ से, उसके बाद इसमें जो आईडी पासवर्ड रियलमी का लगता है आपको इसमें डाल देना अपना आईडी और पासवर्ड। जैसे आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया जाता है, उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पे उसका बैंड का ऑप्शन और वॉच का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे आप बैंड तो मेरे पास फिलहाल ही नहीं, हम सिलेक्ट करते हैं वॉच का ऑप्शन, वॉच के ऐसे ऑप्शन क्लिक करेंगे हमको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से। जैसे कनेक्टेड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आपको वॉच में एक्सेस मिल जाता है कंटिन्यू करने का, आगे प्रोसेस करने का, वॉच को एक्सेस करके सेटअप करने का। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं ओके कंटिन्यू, ये हो गया कनेक्ट, टोटल कनेक्ट हो चुका है। तो आपको कुछ आपको अपने पर्सनल आपके सेटिंग्स आपको देने हैं, आपका मेल और फीमेल है, हाइट वेट डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ से अपडेट का ऑप्शन मिल जाता है पहले, उसके बाद देखते हैं सेटिंग्स में देखोगे ये आपका टोटल आपका जो आपका आज सिनेरियो आपको देखने को यहाँ से मिलता है, जो आप रनिंग करते हो या हार्ट बीट सेंसर या कुछ देखने को यहाँ से मिल जाता है। पहले बात कर लें डिस्प्ले में, आपको 3.5 cm का आपको लास्ट स्क्रीन कलर टच फुल टच आपको स्क्रीन मिलता है, उसके बाद रियल टाइम हार्ट बीट मॉनिटर देखने मिलता है। जैसे ही इसको ऑन करता हूँ तो आपके सामने अपडेट का ऑप्शन आता है, इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो फीचर्स की अगर बात की जाए, फीचर बहुत सारे मिलते हैं, ये अपडेट तो होता रहेगा, ठीक है। फीचर्स में आपको बहुत सारे मिलते हैं, एक्टिविटी मिल जाता है और उसके बाद एक्टिविटी ट्रैकर ये चीज़ मिल जाता है। सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, सेटिंग्स में आपको जाते हो तो अबाउट सेक्शन में जैसे अपडेट होने के बाद, तो ये कुछ अपडेट सेक्शन यहाँ से देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। और अगर इसके फीचर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, जिस प्राइस में ये मिलता है, तो 4000 रुपये एक वॉच के लिए बहुत ही है, हाथ में तो बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पे। और बाकी जो फीचर स्पेसिफिकेशन बहुत सारे मिलते हैं, मैसेजिंग वगैरह आप देख सकते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उसके बाद जीमेल, ट्विटर,
और YouTube का कुछ नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। IP681 1.5 mm का वाटर रेसिस्टेंस आपको मिल जाता है यहाँ पे। बाकी कुछ कस्टमाइज सेटिंग आपको देखने को मिलता है। फीचर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, पहले तो मैं कलर वेरिएंट की बात करूँ, कलर में अगर ब्लैक मिल जाता है। वेट की अगर बात की जाए, जो मैंने बोला 31 ग्राम का आपको यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी अगर इसमें बात की जाए तो 160 mAh की ही बैटरी इसमें देखने को मिलती है और 7 से 9 घंटा तक आप इसको ईजीली चला सकते हैं और बैटरी सेविंग मोड में आप इसको 20 दिन तक चला सकते हैं। ये आपके फ़ोन में आपका टोटल आपको मॉनिटर करने के लिए दिया गया है। टोटल आप फ़ोन में आप किस तरह रनिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो मॉनिटर यहाँ से कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, एप्लीकेशन से कनेक्ट किया जाता है और एंड्रॉयड 5.0 प्लस में यह रन करता है, ब्लूटूथ 5.0 ये लेता है। यहाँ पे हार्ट बीट मॉनिटर की बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे हार्ट बीट मॉनिटर ये कैप्चर कर लेता है। ब्लड ऑक्सीजन हो गया, स्लीप मोड हो गया, सब मोड में ये काम करता है। स्पोर्ट्स में आपको 10 मोड देखने को मिलते हैं। बैंड की अगर क्वालिटी की बात की जाए, बहुत ही बढ़िया बैंड का क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। 4000 के अंदर में लगभग आपको बैंड तो अच्छा मिल जाता है, बट थोड़ा सा प्राइस 1000 या 1500 यहाँ से ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है, 1000 से 2000 ज़्यादा यहाँ से लग रहा है। फिर भी देखा जाए तो रियलमी की ओर से बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट निकल के आपके सामने आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आज जैसे मैंने बताया चार्जिंग के लिए, जैसे ये यहाँ से रख देते हो आराम से ये चार्जिंग आपका ले लेता है, तो मैग्नेटिक आपका चार्जिंग रहता है इजीली। आज जैसे निकाल देता हूँ इसके रैपिंग को, ठीक है, इसको रख देते साइड में, इसको निकालना मैं भूल गया था, ठीक है। तो जैसे इस पर चार्जिंग पे रख दोगे इजीली ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये जो चार्जिंग थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है, प्लास्टिक बहुत है, देखने में इतना प्रीमियम लगता नहीं। यहाँ पे आप कुछ क्लॉक वगैरह सामने की तरफ जो रहता है उसको चेंज आप कर सकते हैं। जो डिज़ाइन इसमें दिया गया है लगभग जो बाय डिफॉल्ट मतलब जो इसमें देखने को मिल रहा है वही मुझे पसंद आया। बाकी कोई भी ऐसा कुछ डिज़ाइन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है जो आपकी स्क्रीन में आप रखना चाहोगे, जो बाय डिफॉल्ट ही देखने को मिलता है, बस यही ही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मुझे बाकी कोई भी चीज़ यहाँ से पसंद तो आया नहीं। बाकी देख सकते हो अपने हिसाब से कौन सा आपको पसंद आता है तो आपके ही हिसाब से आप रख सकते हो दोस्तों। तो आपको ये वाला वीडियो अगर पसंद आता है तो इस भले रियलमी वॉच को जाके रियलमी की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में ड्रॉप कर दूंगा, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो इजीली। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वाला अनबॉक्सिंग का वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। रियलमी की ओर से जो आता है जो लुक लाइक आईफोन जैसा ही मिला, केस से लेके उसके लुक से लेके पैकिंग तक आपको आईफोन जैसा मिलता है, प्लस चार्जिंग को लेके बहुत ही बढ़िया देखने को यहाँ से मिलता है। रियलमी की ओर से जो वॉच आता है बहुत ही बड़ा वॉच यहाँ से देखने को मिलता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके वहाँ से इसको बाय कर सकते हो या फ्लैश सेल में जाके इसको परचेज कर सकते हो रियलमी के खुद के ओन वेबसाइट से दोस्तों, या अमेजोन में मिलता है तो जाके फ्लिपकार्ट में मिलता है तो आप आराम से जाके इसको कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी रियलमी की वेबसाइट में जाके इसको बाय कर सकते हो। 4000 के अंदर बहुत ही बढ़िया वॉच यहाँ से देखने को मिलता है। फिटनेस वॉच के हिसाब से देखा जाए तो जो जो ब्रांड आपको देखने को मिलते हैं इसमें से रियलमी अभी उतर चुका है अपने इस मार्केट में, तो बहुत ही बढ़िया वॉच यहाँ से देखने मिलता है। लुक बाय डिजाइन वाइज बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लुक डिज़ाइन और फीचर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो वास्ता करने वाला वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। यहाँ पे यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, नीचे जाके ग्रे कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे जहाँ मैं आपको अपलोड कर दूँ कोई वीडियो दोस्तों। तो मिलता हूँ अलग ऐसे इंटरेस्टिंग वाला टैग रिलेटेड कोई भी अनबॉक्सिंग या टैग रिलेटेड वीडियो में दोस्तों। तो फिलहाल गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।